और सुमति चले गए श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने के साथ वनों में बिताओ और इनकी सेवा का यश प्राप्त करो। ये जो भी आज्ञा दे उसे सहर्ष स्वीकार करो। लीजिए ऋषिराज, लीजिए इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। ऋषिराज तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई है। लिया है हाथ में जो हाथ इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु रक्षा का इनकी ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अच्छा हम चलते हैं। प्रणाम है जी। कल्याण हो, अटल राज करो। जाओ बाल, ऋषिराज की सेवा में जाओ, जाओ। आओ वत्स, अब प्रस्थान करते हैं। सौंपे भोपुर सही सत बहुविध देह से जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद से। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महान भाई, प्रभु महान दे
आप देख रहे हो जो साड़ का है वो स्टेज पर पहुंचने वाली है।
और उसकी दोनों भारी चौर सुबह हो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नरभक्षी काला आवेश मनुष्य को खा जाएगी। जाता हूँ। हाँ हाँ तू भी आते
तुझे भी तेरी माता के पास पहुंचाता हूं। जय शंकर। मारीच को अपनी पारा भी पाना, उसको तो अपने पांव से केवल 100 मीटर दूर ही फेंका। अगर तू ज्यादा उधर पहुंचेगा तो निश्चित जाके यमपुर तुझे अवश्य पहुंचाऊंगा। अवश्य मुझे यमपुर पहुंचाएगा। अच्छा तो दोनों हाथ क्यों नहीं करता है? हाँ प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को वंदन और गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरुदेव अपने आश्रम में दोनों बालकों को लेकर विराजमान होते हैं। दूसरी राज्य ने क्या भूल लिखा है, एक ही मन प्राण हर लिखा और मरीज के लिए क्या लिखा है, बिनु हर राम बाण नहीं मारा, 100 योजन का सागर पारा। मरीज को मारा नहीं था श्री राम ने, बिना हर के बाण से उसे 100 योजन लंका में भीम दिया। इधर आशा से विराजते थे कि तभी जनक दूत का निमंत्रण लेकर महाराज जनक का निमंत्रण लेकर जनक दूत विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचे और निवेदन किया। गुरुदेव महाराज जनक ने आपके लिए ये निमंत्रण भिजवाया। लोग कह रहे हैं आवाज कम आ रही है, लैपटॉप ले आना पड़ेगा, आवाज कम आ रही है। कमेंट सही है। महाराज शिव ध्वज क्या लिखते हैं इस पत्र में, ऑडियो लेना पड़ेगा। श्री भक्त पूज्य पाद लोग कमेंट कर रहे हैं आवाज कम आ रही ब्राह्मण कुल भूषण महर्षि वर श्री 108 श्री मत परमहंस परिवाचकाचार्य श्री ब्रह्म ऋषिवर ब्रह्मावतार भूदेव नरदेव पूजितेषु श्री चरितमलेषु जनकस्य विनय पूर्वक प्रणाम। सभी ने निवेदन है कि अश्वनी शुक्ल द्वितीया को मेष लग्न शिव मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती जानकी के विवाह स्वयंवर एवं भविष्य के होना निश्चित हुआ है। अनेक राजा एवं ऋषि मुनि महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है, अतः आप भी उत्सव में सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दर्शन अभिलाषा जनक राज मिथिलापुर। बड़ा ही सुखद समाचार है। दूर जनक राज से कहना कि हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर प्रस्थान।
तभी लक्ष्मण बोले, गुरुदेव आप तो मिर्जापुरी चले जाएंगे, अगर आप हमें भी वापस अयोध्या जाने दे तो। हाँ गुरुदेव, सिद्धाश्रम के चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है, समस्त राक्षस मारे जा चुके हैं, अतः हमें भी अयोध्या लौट जाने की आज्ञा दे दीजिए। नहीं वत्स, तुम दोनों अभी मेरे साथ चलोगे, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांग कर लाया हूं, वो धारका मारीच और सुबाहु के विनाश से बहुत आगे है। ये तो उस महायुद्ध की भूमिका मात्र है, अतः मैं चाहता हूं कि अयोध्या वापस भेजने से पहले मैं तुम्हें हर तरह से तैयार कर दूं, संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर सामने रख दूं, अतः तुम्हारा मेरे साथ जनकपुरी चलना अत्यंत आवश्यक है। जो आज्ञा, जो आज्ञा रे शिवा। अच्छा तो चलने की तैयारी करो, एक एक पल महत्वपूर्ण है। जो आज्ञा रे शिवा। धनुष जागे सुने रग कुल नाथा, हरस चले मुनि बर के चढ़ते दिखाई देते हैं न पक्षी बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं, इसका क्या कारण है ऋषि? इसका कारण है वो देखते हैं सामने पड़ी हुई पत्थर का शिला। एक जरूरी सूचना, ताड़का के पुतले के साथ दो गाड़ियां खड़ी हैं, HR 12-0022 और DL 12D-0009। ये दो गाड़ियां ताड़का के पुतले के साथ खड़ी हैं, अभी पुतले का दहन होगा, गाड़ियों में कोई नुकसान ना हो इसलिए गाड़ी के मालिक उन गाड़ियों को वहां से हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। इसका कारण है वो देखो सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। पत्थर की शिला, परंतु इसका क्या पता है बेटा? ये शिला किसी समय अहिल्या नाम की बड़ी सुंदर और कोमल तथा महर्षि गौतम बड़े कर्म कांड और धर्म परायण इसके पति थे। अच्छा। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान करने को गए हैं तो इंद्र ने इसके रूप पर मोहित होकर ऋषि का रूप बनाकर उसके घर आया और उसके साथ ही मिला गया। ऋषि के याद आने पर क्रोधित होकर इसे श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जाएगा। ये शाप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से विनती करने लगे। तब ऋषि ने दया करके ये वरदान दिया, जब सूर्यवंश में रामावतार होगा तब उनकी चरण रस से ही तेरा उद्धार होगा। इसलिए राम अब तुम इसे अपने शरण रस लेकर उद्धार कर। छुआ क्या ऋषि, आइए
श्री राम जैसे अपने शिला पर ही वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गए। अपनी शरण लेकर के लोग जाने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा तथा और अहिल्या चली गई परमधाम अपने पति लोगों की तरह और मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को लेकर चल जाएंगे जनकपुरी की। लेकिन उससे पहले राम ने उन्हें गंगा के किनारे पंडों का सामना भी करना पड़ा। सब आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि मैं सूर्यवंश का पंडा हम अरे नहीं नहीं ये तो हमारे यजमान है। अरे नहीं ये तो हमारे यजमान है। अच्छा अभी पता चल जाएगा कौन किसका यजमान है। देखो आपस में झगड़ा मत करो। सूर्य वंश का पंडा वही है जो उनकी वैशावली सुनाएगा। अब जो वैशावली सुनाएगा वो ही सूर्य वंश का पंडा कहलाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ अब बताओ तुम दोनों में से कौन सुनाएगा। बस हो गया ना। रखिए प्रभु मैं ही आपका असली पंडा।
तो तुम ही सुनाओ महाराज की वंशावली, तुम ही बताओ। महाराज ये सब आपको धोखा दे रहे थे, आपके प्राचीन पंडा हम ही हैं। ये लीजिए, सुन लीजिए अपनी वंशावली। आपके वंश में सबसे पहले राजा अवयुक्त हुए, जिनके पुत्र ब्रह्मा तथा ब्रह्मा का मारीच और मारीच का पुत्र कश्यप हुआ। राजा कश्यप के यहाँ राजा सूर्य का जन्म हुआ, जिसके नाम पर आपके कुल को सूर्य वंश भी कहा जाता है। महाराज बिल्कुल ठीक कहा। राजा सूर्य के यहाँ राजा मनु और मनु के यहाँ राजा व्यस्त का जन्म हुआ। राजा व्यस्त के पुत्र अश्वाकु और राजा अश्वाकु के राजा काशी हुए। राजा काशी के घर में राजा बाण और राजा बाण के घर में राजा अरण्य उत्पन्न हुए। ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, आपने ठीक कहा महाराज, आप ही हमारे प्राचीन पंडा हैं। अपनी दक्षिणा है। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए प्रभु। और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को संग लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर गए। पूरी राम मालिक मेरी आवाज सुन रहे हो, ये गाड़ियां रास्ते को अवरुद्ध कर रही हैं, रास्ते को रुकावट डाल रही हैं। कृपया अपनी गाड़ियां उस स्थान से हटाने का कष्ट करें। धन्यवाद। बापी को बसरत सरना सलेल सुधा समय मम सब विराजते हैं विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण। जनक राज को जब ये सूचना प्राप्त हुई कि विश्वामित्र मुनि जनकपुरी में पधार चुके हैं, तो वो उनका स्वागत करने के लिए आश्रम में पहुंचे और जाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि राज के चरणों में
जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो राजा जी, कल्याण हो महाराज। और जनक जी ने सबका स्वागत किया। लेकिन वो मन बस ये भी सोच रहे थे कि ऋषिराज के साथ ये दोनों राजकुमार कौन है। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिए, परंतु आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं जो आज जनकपुर पधारे हैं। राजन, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार हैं और हमारे साथ आए हैं। इन्होंने ही ताड़ा मारी सुबाहु आदि राजतों को मारकर दंड कारण में शांति स्थापित की है। इनका नाम राम और ये इनके छोटे भाई लक्ष्मण है। चिरंजीव रहो पुत्रो, खुले हैं भाग्य अब मिथिला नगर वासी विचारों के। ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजा, ये जो आपकी बड़ाई है जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। अच्छा महाराज, किसी प्रकार का कष्ट न उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना पहुंचाना। नहीं महाराज, हम बड़े सुख में हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहनीय योग्य है। निसंदेह मुनिवर की कृपा से हो गया जो इस ओर आना। लिखा भाग्य में दर्शन जनक जी आपका पाना। राजा, आप हमारी ओर से निश्चिंत रहे, हमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा मुनिराज, तो आज्ञा दीजिए, अभी दूसरे अतिथियों से ही मिलने जाना है। ठीक है राजा, कल्याण जाके सारा प्रबंध हो, हम यहाँ सुख से। जैसी अध्यक्ष। चलो दास। आओ जनक जी, स्वागत करके चल दिए जनकपुरी की ओर। इधर इधर प्रभु श्री राम के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि आखिर सीता है कौन, कैसे जनक राज की पुत्री बनी, कैसे उसका जन्म हुआ, क्योंकि वो जनक जी की संतान तो थी नहीं, लेकिन जनक जी ने सबसे बड़ी बड़ी त्री का पद दिया हुआ है उसे। यही जिज्ञासा उनके मन में हिलोले मार रही थी। आखिर जब उसे सही रहा गया तो वो विश्वामित्र जी से पूछ ही बैठे। ऋषि, ये सीता का क्या वृतांत है, कृपा कर आप हमें सुनाइए। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो सुनो। ये जनकपुरी बहुत विशाल प्रदेश है और बड़ा ही खुशहाल है। चारों तरफ समृद्धि सुख का वास है, लेकिन एक समय था जब जनकपुरी में अकाल पड़ा। भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, लोग त्राही त्राही बोल गए। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। जनक राज परेशान थी कि आखिर वो अपनी प्रजा को सुखी कैसे करेगा।
तभी आकाशवाणी हुई, राजन चिंतित ना हो, आप अपनी रानी सुनैना के साथ सोने का हल लेकर खेत को जोतें और देखें कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, आपके नगर में बारिश भी होगी और अन्य खुशहाली भी आएगी। ये सुनकर महाराज जनक हर्षित हो गए और सोने का हल लेकर रानी सुनैना के साथ खेत जोतने के लिए चल जाए। ओ उसर भूमि जग मिटई कलेसा, हर्षित जन मिथिला के देसा, जगावन लागे हल मिथिलेश चलावन लागे, चारों ओर भई जय जय ये आज से हमारी पुत्री कहलाएगी और चूंकि इसका जन्म इस फल में लगे हुए फल से हुआ है, उस फल को सीता कहते हैं, इसीलिए हम इसका नाम सीता रखते हैं। आओ महारानी आओ और देखो बादल कैसे घूमर घूमर कर आ रहे हैं, लगता है शीघ्र ही बारिश होने वाली है। आओ चलकर प्रजा को दिए समाचार। तो बेटा राम, जो बात मैंने तुम्हें सुनाई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई। हाँ गुरु जी, पूरी तरह शांत हो गई। लखन हृदय लाल सा पिसे के मुनिराज, लक्ष्मण जनक गुरी की शोभा देखना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ जाओ बेटा, दोनों जनक गुरी की शोभा देखाओ और लौटते समय संध्या वंदन के लिए पुष्प भी लेते आना। जनक राजधानी पुष्पवाटिका बहुत ही सुंदर है, अवश्य जाना और पुष्प लेकर आना। जो आज्ञा मुनिराज। चलो लक्ष्मण,
मुनि पद कमल बांध दो चना बना है आला जिसमें काला गलम मसाला जिसको खाए लखन काला चना जोर गरम अरे चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम चना बना है आला जिसमें डाला गरम मसाला और जिसको खाए से ठल्लाला चले जोर गरम और चले जोर गरम बाबू के लाया मजेदार
खावे चले तो रहोगे बने चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर भैया बड़े भाग हैं मेरे चने को श्री राम जी खा रहे हैं आहा धन्य हो गया मैं तो दही ले लो दही हरी थोड़ी दही ले लो दही बड़ी दूर से आई हूँ मैं चल कर लेकर के दही सब्जी बेचने वाले
फूल वाली भी है। जनकपुरी की शोभा भी क्या शोभा है, सभी बहुत प्रसन्न है। श्री राम लक्ष्मण को जगह जगह दिखा रहे हैं। वो देखो वहां पर कितना सुंदर दृश्य है। लक्ष्मण भी हाँ भाई सही कहा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। हाँ लक्ष्मण वो देखो भाटी भी आ गए। आइए भाटी। महाराज देखो मैंने चले वाले को दिखाया, आपने उनका चला भी दिखाया और वो गुब्बारे वाले भी आए, उसने भी आपको डुबाया और दही वाले ने तो दही भी दिखाया महाराज। हाँ हाँ बहुत ही मीठा दही। अब आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको और जनकपुरी की शोभा बेला चमेली गेंदा गुलाब जूही ये है मेरे महकते हुए फूल। फूल वाले आई आई मालिया बीका
अरे चल महाराज की तो बलाए ले ली, अब इधर को चल, सामने चल, वहां भी चल के बलाए लेके आते हैं। ये तो मैं भी भूल गई, अब तो बलाए लेके जाऊंगी। अच्छा इधर से उतरेंगे, उधर से उतरेंगे। समय नजदीक आ रहा है, ऐसा ना हो कि पुतले के साथ गाड़ी भी जलने लगे। गाड़ी के मालिक से निवेदन है, बार बार निवेदन है, 7120 गाड़ी अपनी तुरंत हटा ले। धन्यवाद। और श्री राम लक्ष्मण जहां पहुंचे महाराज जनक की पुष्प वाटिका की। देखो तो लक्ष्मण,
जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए खिली पड़ती है कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं, सरोवर तार निर्मल है, खिलौने हंस करते हैं, मधुर वाणी से पक्षी बोल रस कानों में भरते हैं। क्यों ना हो भैया, स्वर्ग से बढ़कर क्यों भूमि पर वो धाम हो, धन्य है वो बाग जिसमें श्री राम को आराम हो। और जरा इधर तो देखो लक्ष्मण, पौधे किस प्रकार मस्त होकर छू रहे हैं और भौरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुख चूम रहे हैं, शोभा लटक रही कहीं फूलों की डाली, सुंदर कमल खिले है कहीं जल की धार में। निसंदेह भैया, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। और जरा उधर तो देखो लक्ष्मी, जूही चंपा चमेली क्या नई शोभा दिखाती है।